हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जॉय 24 कैरेट गोल्ड ग्लो किट का रिव्यू कर रही हूँ। तो ये जो है एक गोल्ड फेशियल किट है। अगर आपको कहीं शादी में पार्टी में जाना हो, अगर आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं हो, तो आप इसको खरीद कर घर पर आराम से अपना फेशियल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया गया है कि किस तरह से आपको घर पर फेशियल करना है। तो इसका आप बॉक्स देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है इसका बॉक्स। तो ये पूरी जो है फेशियल किट है, इसके साथ आपको स्क्रब, क्रीम, जेल, फेस पैक और फेस वॉश मिलता है। तो चलिए देखते हैं ये कितने का है। तो यहाँ पर आप देखिए इसका रेट लिखा हुआ है, ये 250 का है। अगर आप इसको ऑनलाइन मंगाते हैं तो आपको ये कम का भी मिल जाएगा। ये ऑनलाइन भी है या आप शॉप से लेना चाहते हैं, सब जगह ही अवेलेबल है। और यहाँ पर ये देखिए इसका जो है सारा कुछ दिया हुआ है कि स्क्रब जो है ये 13 ग्राम में है, ये ग्लो जो मसाज क्रीम है ये भी 13 ग्राम है, ये भी जो जेल है ग्लो जेल है ये भी 13 ग्राम है, और ये जो फेस पैक है ये 16 ग्राम में है, और जो ये फेस वॉश आता है इसके साथ ये 50 ml में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है किस तरह से आपको फेशियल जो स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको स्क्रब करना है, उसके बाद आपको मसाज क्रीम का यूज करना है, उसके बाद जो है आपको ग्लो जेल का यूज करना है, उसके बाद आपको फेस पैक का यूज करना है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है, उसके बाद जो है आप इस प्रोसेस को कीजिए। और जो जिसको भी नहीं आता है ना, तो वो ये इस किट को देखकर आराम से घर पर जो है फेशियल कर सकता है। सब कुछ यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं ज्यादा बातें न करते हुए इस बॉक्स को ओपन करती हूँ। तो ये इस तरह का है, आप देखिए इस तरह का बॉक्स आता है। और यहाँ पर देखिए आप इसको साइड रख देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है स्किन फ्रूट्स फेस वॉश है ये। तो आपको ये फेस वॉश इसके साथ मिल जाता है। ये देखिए इसका रेट है, ये 60 रुपए का है, 60 रुपए का है, और क्वांटिटी इसकी जो है 50 ml की है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 यहाँ पर इन्होंने नंबर दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं इन्होंने, ताकि किसी को भी कंफ्यूजन ना हो। आप देखिए किसी को भी फेशियल करना हो घर पर, तो इन्होंने ये नंबर दिए हुए हैं। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ, यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ, यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ, और ये 4 लिखा हुआ। अगर किसी को नहीं आता है वो भी आराम से जो है फेशियल कर सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी, ये स्क्रब है। तो आप देखिए ये कितना बड़ा साइज है, आप यहाँ पर देखिए ये जो है कैमरे में बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये ज्यादा बड़ा नहीं है। ये कम से कम आपको 2 फेशियल इसमें हो सकते हैं आराम से, 2 या 3 भी हो सकते हैं, यूज करने से पता चलेगा। लेकिन ये 2 फेशियल आराम से आपको हो सकते हैं, 2 फेशियल ये जो है 250 की रेंज में आपको 2 फेशियल आराम से होते हैं। अगर आप पार्लर में जाते हैं तो 500 रुपए से स्टार्ट है फेशियल। अगर आप ऐसी किट कोई घर पे खरीदते हैं तो आपको ये 2 फेशियल तो आराम से होते हैं। देखिए इतनी बड़ी ट्यूब है, आप देख सकते हैं ये मेरी हथेली है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये कितनी बड़ी है ये, क्योंकि वीडियो में जो है बड़ी दिख रही है, बड़ी नहीं है, बस आप समझिए ये एक उंगली के बराबर है। देखिए थोड़ी सी बड़ी होगी उंगली, लेकिन ठीक है, 250 की रेंज में ज्यादा बुरा नहीं है। 2 फेशियल आराम से हो सकते हैं आपके, अगर इसे यूज करने से पता चलेगा। मैंने ये यूज अभी नहीं किया है, तो मैं इसका यूज करके भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, मैं उसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगी। पूरा जो फेशियल होता है, जो ब्लीच होता है, ब्लीच इसमें नहीं है, ब्लीच होता है अलग से फेशियल से पहले, तो मैं जो है पूरा फेशियल करके आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। 1-2 दिन बाद वो आपको वीडियो मिलेगी, और यही मैं फेशियल करने वाली हूँ। तो उसके बाद पता लगेगा कि ये कितना यूज होता है, कितनी क्वांटिटी में इसकी जो है यूज होता है, कैसी क्रीमें हैं, ये अभी मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो ये देखिए ये आपका स्क्रब है, मैं आपको दिखाती हूँ खोलकर, स्क्रब है ये। और ये देखिए वाकई गोल्ड सा लग रहा है। ये देखिए कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एकदम गोल्ड की लेयर लग रही है हाथ पे, कैमरे में नहीं दिख रहा है, ये देखिए थोड़ा शाइनिंग दिख रहा होगा, अच्छा स्क्रब है। और थोड़ा सा ऐसा रेत जैसा हल्का सा ऐसा लग रहा है, मतलब बिल्कुल बारीक स्क्रब है ये। आइए देखिए ये स्क्रब है, आपको स्क्रब जो है फेशियल से पहले स्क्रब आपको जरूर करना है। स्क्रब अगर आप फेशियल नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको करना है, हफ्ते में 2 बार आपको स्क्रब जरूर करना है। उससे जो है हमारे फेस पे जो ये सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है या ब्लैक हेड्स हो जाते हैं ना, तो इससे जो है स्क्रब करने से वो धीरे धीरे रिमूव हो जाता है और अच्छा रहता है। ये जो स्क्रब है, अगर आप बड़ा कोई और पैक खरीदना चाहते हैं तो स्क्रब आपके लिए बहुत जरूरी है, हफ्ते में 2 बार स्क्रब करना है। तो स्क्रब जो ये स्क्रब तो हो गया, अब इसकी बात करते हैं
तो ये सेकेंड स्टेप है, और ये है ग्लो मसाज क्रीम, ये ग्लो मसाज क्रीम है। तो ये देखिए, वाह, मैं अभी थोड़ा थोड़ा इसलिए निकाल रही हूँ ताकि वेस्ट ना हो। मैं आपको इसका वीडियो दूंगी, एक दो दिन में आपको इसका वीडियो मिलेगा। तो इसका क्रीम एकदम स्मूथ, जैसे बिल्कुल स्किन में अब्जॉर्ब होने वाली है। ये देखिए, और ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड स्टेप। उसके बाद हम बात करते हैं जेल की। ये जेल लगाना है अपने फेस पर। ये देखिए, वाओ, कितना बढ़िया जेल, वाकई इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है, बहुत ही बढ़िया जेल है। उसके बाद फेस पैक की बारी आती है। वाओ, कितना स्मूथ है, आप देखिए कितना स्मूथ है, वाओ। और इसकी स्मेल भी इतनी अच्छी आ रही है कि आप जब फेशियल करोगे तो आपका मूड जो है एकदम बढ़िया हो जाएगा। और ये वाकई काम करने वाला है, मुझे दिख रहा है कि एकदम काम करने वाला है फेस पर। और आप देख सकते हैं, ये कैमरा में नहीं दिख रहा, लेकिन आप देखिए ये गोल्डन गोल्डन सा लग रहा है। देखिए वो भी हम देखते हैं ये किस तरह का है। वाओ, ये देखिए, ये एक जेल की तरह है। ये देखिए, एक जेल की तरह है और बहुत ही बढ़िया फेस वॉश है। मैं आपको एक बार फिर से कह रही हूँ कि आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले तो आप इसे, आप अपने फेस को अच्छे से धोइए, बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्टेप वन का है, स्क्रब है इसमें स्टेप वन। आप इसे थोड़ा सा लीजिए हाथ पे, जैसे कि आप फेस वॉश लेते हैं, आप इसे लीजिए हाथ पे। और आपका फेस थोड़ा सा गीला गीला रहेगा, मतलब एकदम पानी नहीं तो लेकिन गीला रहेगा, तो उसी पे आपको ये स्क्रब करना है। और कम से कम दो तीन मिनट तक, दो मिनट तक आप मान के चलिए, दो मिनट तक आपको हल्के हाथों से स्क्रब करना है अपने पूरे फेस पर, अपने पूरे फेस पर इसको स्क्रब करना है। उसके बाद जैसे दो तीन मिनट हो गए, उसके बाद इसको साफ करके आप इस क्रीम का यूज कीजिए। ये मसाज क्रीम है, और मसाज क्रीम भी मतलब अच्छी क्वांटिटी में लीजिए, कि मतलब जैसे कि ये दो फेशियल होंगे आराम से इसमें, तो दो फेशियल के हिसाब से आपको जितनी जरूरत है आप उतना लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप भर भर के, ऐसा नहीं, ये तीन फेशियल भी हो सकते हैं इसमें, और दो भी हो सकते, दो तो आराम से हो सकते हैं लेकिन तीन फेशियल भी हो सकते हैं। तो आप अपने जितना आपको यूज करना है आप उतना लीजिए मसाज क्रीम को, और मसाज कीजिए। अगर आपको बीच में पानी की जरूरत पड़ती है तो आप पानी की जगह पर गुलाब जल का इस्तेमाल कीजिए, और गुलाब जल से जो है फिर से मसाज कीजिए। तो कम से कम 5 मिनट या 7-8 मिनट तक आप मसाज कीजिए, उसके बाद इस क्रीम को भी आप साफ कीजिए। उसके बाद 5-7 मिनट के बाद आप इसे जेल को लीजिए अपने हाथों पर, और जेल को अपने फेस पर लगाइए, पूरे फेस पर, और 2-3 मिनट के लिए कम से कम आप छोड़ दीजिए उसे। और उसके बाद आप फेस पैक लगाइए, ये लास्ट का है, फेस पैक लगाइए। आपने अगर फेस पैक लगाया है, उसके बाद जो है 15-20 मिनट तक इसको सूखने दीजिए। और जब ये सूख जाएगा तो आप एकदम से इसे जो है रगड़ के मत निकालिए, इस पे थोड़ा सा पानी का स्प्रे कीजिए, या अपने हाथों को गीला करके थोड़ा सा अपने फेस को गीला कीजिए। उसके बाद आप फेस पैक मसाज बोलते हैं जिसे, उस मतलब थोड़ा सा मसाज करके, हल्के हाथों से मसाज करके आप अपने फेस पैक को उतारिए, और इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और इसके बाद जब आप अपना फेस पैक उतार लोगे, तो उसके बाद जो है आपके पास अगर कोई मॉइस्चराइजर है या फिर एलोवेरा जेल है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद जो है आपको कोई भी क्रीम जो है यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉइस्चराइजर हो या एलोवेरा जेल है उसी का यूज कीजिए। और इसके बाद जो है 5-6 घंटे तक धूप में नहीं जाना है। अगर आप फेशियल करके धूप में जाती हैं तो जो है स्किन जो है बहुत ही डैमेज हो जाएगी, इस बात का आप ध्यान दीजिए। और ये खासकर आप ध्यान रखें कि फेशियल जो है शाम के टाइम पे ही कीजिए, शाम के टाइम पे, क्योंकि उसके बाद सोना होता है, रात को सोना होता है, तो थोड़ा सा स्किन भी जो है रिलैक्स हो जाएगी। तो इतना ध्यान दीजिए कि रात को या शाम के टाइम पे आप फेशियल कीजिए, सुबह के टाइम पे मत कीजिए, क्योंकि सुबह कभी भी बाहर जाना पड़ सकता है। तो सीधे मॉर्निंग में आप जो है फेस वॉश कीजिए। बस यही था फेशियल करने का तरीका, और अब मैं इसको पूरा अपने फेस पर जो है इसका डेमो करके दिखाऊंगी, फेशियल किस तरह से करना है। लेकिन वो वीडियो एक दो दिन में आएगी, क्योंकि मैं, मुझे इसका रिव्यू भी करना था और फेशियल को भी दिखाना था किस तरह से, लेकिन वो वीडियो हो जाएगी लंबी। तो अब जो बड़ी वीडियो हो जाती है उनको कोई भी नहीं देखता है, तो मेहनत मेरी बेकार जाती है, इसलिए मैंने सोचा पहले इसके रिव्यू दूं और फिर इसका जो है डेमो आपको दूं वो नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि एक दो दिन के बाद वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी मेरे चैनल पे। तो आई होप फ्रेंड आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी जो है हौसला बढ़ता है आगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी फेशियल वीडियो के साथ। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।